तो हेलो गाइस, आज फिटनेस फैक्ट्री चैनल पे आज और एक बार आपका स्वागत है। तो गाइस, आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर हमारे अनवांटेड हेयर है वो कैसे परमानेंटली निकाले, तो आज उसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू रिमूव हेयर परमानेंटली, बट मैं परमानेंटली यूज़ नहीं करूँगा, ऑलमोस्ट परमानेंटली यूज़ करूँगा। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, आज का जो ट्रेंड जो है वो ट्रेंड निकल गया कि आपकी छाती पे बाल है, आप रास्ते पे चल रहे हो, कैसे लगोगे आप? कैसे लगोगे? अनिल कपूर याद आया, गोरिल्ला, सनी देओल गोरिल्ला, अक्षय कुमार सोनाल शर्ट है, हाय। सो दोस्तों, वो जमाना निकल गया है कि आप आज का दौर है सिक्स पैक्स का, अच्छी फिजिक का, ऑब्लिक्स का, मतलब आपको दिखा के एकदम कूल लगना है कि नहीं। आप अपने आपको सोचिए, वैसे इमेजिन करिए कि आप कैसे लग रहे हो, कि आपने सिक्स पैक्स बनाया है, आप शर्ट के बटन खोल के चल रहे हो। टाइम के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है, उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। रोज़ तो आप शेव नहीं करोगे, तो हमारे पास एक आज प्रोडक्ट है जिसमें ये होगा कि आपको रोज़ शेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसमें ये होगा कि आपके जो बाल जो हफ्ते दो हफ्ते में आते हैं वो ऑलमोस्ट दो महीने बाद आएंगे, मतलब इतना डिले कर देगा, क्योंकि उसे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उसी टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ और आपको लगा के बताने वाला हूँ कि कैसे आपको यूज़ करना है वो। तो इस वीडियो को पूरी देखना, इसे स्किप मत करना, और लाइक का बटन तो ठोको, सब्सक्राइब ठोको, एंड बेल आइकन भी ठोको। तो दोस्तों, आप करते क्या हो जब आपको छाती के बाल या आपको आर्मपिट के बाल नहीं चाहिए? आप ऑलमोस्ट हफ्ते में तीन बार तो शेव करते रहेंगे। मोंटू पहले तो तीन बार शेव करता ही था, तीन से चार बार मोंटू शेव करता था, छोटे छोटे बाल अगले दो दिन बाद आ जाते थे, फिर वापस से शेव करता था। तो आज जो मैं आपको सोल्यूशन दूंगा इसके ऊपर कि आपको पूरा जो आपको जो शेव जो करना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट निकाल के दिखाता हूँ, हेयर वैनिश फॉर मेन। लड़कियों के ऊपर तो बहुत सारा बनाया हुआ है, चलो मेंस के ऊपर भी आ ही गया है, ज़माना बदल रहा है, क्योंकि सिक्स पैक्स बनाना, अपने आपको क्लीन शेव रखना यहाँ से बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओपन हो रहे हो, लोग आजकल इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहे हैं, वीडियोज़ डाल रहे हैं, कि ऐसा कोई देख लो जिसके छाती पे बाल भी है और एब्स भी है, किसी ने डालते देखा है? कोई नहीं डालेगा। हर एक को अपने आपको शेव रखना है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, ट्रिमर यूज़ करो या आप रेज़र यूज़ करो, शेव करिए, इसे अप्लाई करिए सर्कल की तरह। आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई हो रहा है, तो उसे आप लगाइए, सुबह शाम आपको लगाना है, और ये आपको एक हफ्ते तक लगाना है, और उसके बाद में एक हफ्ते के बाद लगाने के बाद देखिए आपके महीने भर तक जो है ना, आपके जो बाल जो है उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी, काफ़ी स्लो हो जाएगी। इसका मैं एक साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ। जैसे ही आप अप्लाई करते हो ना हफ्ते भर तक, तो आपके जो है ना पोर्स छेद रहते हैं ना, वहाँ पर वो भर जाता है, जिसकी वजह से आपके हेयर का जो ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपने आपको क्लीन शेव ऑलमोस्ट हेयर रिमूव परमानेंटली अगर आपको करना है, तो इसे आपको अप्लाई करना है एक हफ्ते तक। सर, तो इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या? तो नहीं, इसमें मोंटू कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है इसमें, क्योंकि जो हम लोग जो नॉर्मली जो दूसरे जो क्रीम लगाते हैं चेहरे के लिए, और मतलब पाउडर्स वगैरह लगाते हैं नॉर्मल, वैसे ही क्रीम और पाउडर जैसा ही है, मतलब इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप जो इसे बेझिझक लगा सकते हैं, जैसे हमने बताया आपको, हफ्ते में आपको दिन में दो दिन लगाना है एक हफ्ते तक। तो जैसे आप लगाते जाओगे, इसे एक दिन लगाया, दो दिन लगाया, वैसे आपका बाल रुकने का प्रोसेस जो है, जैसे जैसे आप लगाते जाओगे वैसे वैसे उसका प्रोसेस स्लो होते जाएगा। मोंटू, आपने जरा चेस्ट दिखाना। मोंटू ने अपनी बॉडी की थोड़ी बैंड बजा के ली हुई है, क्योंकि आजकल एक्सरसाइज कर नहीं रहे। तो दोस्तों, आप लोग इसे बोलिए कि एक्सरसाइज चालू करें, बीच में अच्छी बना दी थी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बाल नहीं है बिल्कुल भी, क्लीन शेव है, और इसने क्रीम भी अप्लाई किया हुआ है। तो आपको यही चीज़ जो है हम आपको बताएंगे एक महीने बाद कि कितना आपने, क्योंकि मोंटू तो अभी हफ्ते में दो बार लगा रहे हैं। तो जैसे हमने बताया कि हम अपने आप पे अप्लाई करते हैं, फिर ही हम जो है उसका रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स जो है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे बीच में प्रोडक्ट के बारे में, हमें वो नहीं पता लगता, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर चेक करना है। तो हर एक चीज़ का जो डिटेल्स जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, तो ये भी जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और काफ़ी लोग खुश हुए रहेंगे इस बारे में जान के कि चलो ठीक है, ऑलमोस्ट परमानेंटली हम रिमूव तो करें, तो सही जानकारी देना हमारा काम है, बाकी यूज़ करना आपका काम है। तो तब तक के लिए दोस्तों, स्टे फिट, स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।